इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी और इस बढ़त को मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़त के बाद अब ये महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों को सीधे सीधे फायदा होगा। इसके साथ ही 62 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधे तौर पर इससे फायदा मिलेगा। फैसले के मुताबिक डीए में की गई बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। ये नियम 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले को जोड़ ले तो मार्च से अब तक डीए में 2 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है और इस दौरान भत्ता कुल मिलाकर 7% बढ़ चुका है। जहां केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से मंजूरी दे दी गई है और 1 जुलाई से इनके भत्ते की अब भुगतान कर दिया जाएगा। मोदी सरकार इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है, तो आज मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला कर लिया है। VK News, राष्ट्र के नाम।